हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति गुप्ता परीक्षा प्लस के परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम 7 जुलाई का पेपर इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं और 8 दिसंबर 2019 का पेपर हम आपका तीनों सेक्शन करवा चुके हैं, जो कि आपको परीक्षा प्लस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 जुलाई में हम CDP का डिस्कस कर चुके हैं और मैथ्स का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे EVS का सेक्शन, ओके, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे और हम एक एक करके विद एक्सप्लेनेशन उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आप सभी का एग्ज़ाम 31 तारीख को है, समय का बहुत अभाव है, जिसको हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम या ग्रीस या फिर कोयला। मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स आप यहाँ से कर देते हैं। मतलब आपको ढंग से पढ़ना रहेगा कि पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, जिसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, कोयला। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ इसमें डिस्कस करने को है ही नहीं, आप सभी को इसका एक छोटा सा आंसर याद रखना रहेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा या फिर फुल मून। ओके, पहला है दिवाली, गुरु नानक का जन्मदिवस या फिर रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि या बुद्ध जयंती, या फिर थर्ड ऑप्शन ये रहेगा और फोर्थ आपका ये रहेगा। मतलब ये तो आपकी समझ पे डिपेंड करेंगे ना, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई पूर्णिमा को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ना इनमें आप रट्टा लगा सकते हैं और ना इनमें कोई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो सेकंड का आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कहता है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है, अरेबियन सी। देखिए, मैंने आपसे पिछले सेशन में कहा था कि आप लोगों को मैप अच्छे से पढ़ के जाना है, फिर से आपका एक मैप से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मतलब मैप की आपको बेसिक समझ होनी चाहिए कि ये राज्य आपके किस साइड पड़ते हैं। ठीक है, तो आपसे इस टाइम पूछा है अरेबियन सी के बारे में। अरेबियन सी आपको पता ही, अगर ये भारत का मैप रहता है तो इस साइड आपका क्या रहता है, बे ऑफ बंगाल रहता है, ओके, और इधर आपका रहता है अरेबियन सी। तो आपसे अरेबियन सी के ही राज्य हमसे पूछे गए हैं। आप सभी को पता है गुजरात हमारा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और जो कि सबसे बड़ी समुद्र तटीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो गुजरात इसमें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे बाकी के, इसमें से कुछ है जो आपके बे ऑफ बंगाल की साइड रहते हैं, इसलिए हमारे इसमें आंसर सही नहीं होगा। तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, एक बार फिर से आपका मैप का क्वेश्चन आया। मतलब मैप के आपके इसी पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने आपसे दिसंबर वाले पेपर में जब डिस्कस करा रहे थे तभी आपसे कहा था कि मैप अच्छे से पढ़ लेना। तो आप 31 तारीख को जाने से पहले एक बार मैप को बेसिक समझ उसकी ले लीजिएगा। ठीक है, आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से मिलने वाला है। तो आपसे पूछा इस बार कि झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में या पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। आप सभी को पता होगा झारखंड बेसिकली इस साइड पड़ता है ना, ये कुछ ऐसे करके जब जाता है तो झारखंड यहाँ पड़ता है और यहाँ उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा के यहाँ पे आपको पूरब में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। डायरेक्शंस के बारे में, आपका ईस्ट ये रहता है, ये वेस्ट रहता है, ये नॉर्थ रहता है और ये साउथ रहता है। ठीक है, तो आपकी उड़ीसा के पूरब में रहता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जरा सी आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपका एक नंबर लेके चली जाएगी। देखिए, डायरेक्शंस आपको सब आपको हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, फिर से बताती हूँ, ये ईस्ट रहता है, सॉरी ईस्ट नहीं, एक सेकेंड, ये आपका ईस्ट रहेगा, ये आपका वेस्ट रहेगा, ये आपका नॉर्थ रहेगा और ये आपका साउथ रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। कोई भी एक इंसान है जिसका घर एक्स पे है और विद्यालय उसका वाई पे है,
आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, मान लीजिए ये कोई एक्स है, ओके। एक्स से हमें ए पर जाना है जो ठीक उत्तर में है, ठीक है। तो उत्तर हमारा ऊपर की साइड है, इसलिए हम एक्स से ए की साइड जाएंगे, ये हो गया हमारा उत्तर में ए, ठीक है। 30 मीटर की दूरी है, हम दूरी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमसे ऑप्शन में सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, तो हम दूरी को स्किप कर सकते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है। फिर आप ए से बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ए के पश्चिम में क्या जाएगा, देखिए ए यहाँ पे होगा, ओके। तो पश्चिम, वेस्ट मतलब इस साइड, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, क्या है, बी हो गया आपका, ठीक है। बात करेंगे अगली, तो फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। बी के ठीक उत्तर में मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि बी अगर हमारा यहाँ पे है तो नॉर्थ हमारा ऊपर की साइड जाएगा, इसलिए सी ऊपर हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है कि अंत में आप वाई पर जाते हैं जो कि आपका विद्यालय है, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो पश्चिम हमारा इस साइड आएगा, वाई हमारा ये हो गया, मतलब हमारा ये विद्यालय हो गया, ठीक है, और ये हमारा घर था। तो सी के ठीक पश्चिम में हम पहुंच गए अपने विद्यालय। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, ये ध्यान से देखिएगा, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हमको डायरेक्शन कौन सी देनी है। विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा पूछी है ना, इसलिए आपकी दिशा कौन सी होगी, विद्यालय ही है, घर ही है, तो दिशा यही वाली तो जाएगी आपकी, है कि नहीं। और अगर आपसे घर के सापेक्ष विद्यालय की पूछती तो दिशा हमारी उल्टी हो जाती, ठीक है। तो अगर हमारी ये वाली दिशा जाएगी तो अब आप देख लीजिए, अगर हमारा विद्यालय वाई ये है, घर हमारा यहाँ पे है कहीं एक्स, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए आपका फिफ्थ का डी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सिक्स की। देखिए रिकॉर्डेड सेशन है, आप सभी को पता है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले दिन आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। एज सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सब कुछ आसान है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो घबराने की कोई बात नहीं है आपको। हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं कि कोई लड़का मड़गांव से इतनी तारीख को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ, ठीक है, और रेलगाड़ी 9:45 पे यहाँ से चलती है और अगले दिन 7:15 बजे पहुँच जाती है। इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको दे दी है और आपसे क्या पूछा है, औसत चाल एवरेज स्पीड के बारे में पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ओके। अब फॉर्मूला तो हमको पता है, दूरी हमको दी गई है 1140 किलोमीटर, लेकिन हमको टाइम नहीं पता ना। टाइम अब हम कैसे निकालेंगे, टाइम इन्होंने दे दिया है कि भाई इतने बजे चलती है और इतने बजे पहुंच जाती है। अब हमको टोटल आवर्स निकालने कि ये कितने घंटे चली है, ठीक है। तो 9:45 पे चलती है, ओके, और 7:15 बजे पहुंच जाती है। अब देखिए इतने इसके बीच के घंटे निकालने हमको, अब हम क्या करेंगे, देखिए 9:45 से अगर हम 9:45 तक का टाइम देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9:45 से अगर हम 9:45 तक का टाइम देखेंगे तो 24 घंटे चल लेगी, लेकिन हमारा 7:15 तक का ही हमें टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9:45 में से 7:15 घटा देंगे, 7:15 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे हम 24 घंटे में से माइनस कर देंगे, टोटल मेरा टाइम आ जाएगा, ठीक है। जब हम 24 घंटे में से 2.5 घंटे माइनस करेंगे, 24 माइनस 2.5 घंटे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 21.5 घंटे आ गए भाई, 21 घंटे 30 मिनट ही तो हमारी गाड़ी चलेगी। और जब देखिए समय हमने निकाल लिया है, ठीक है, दूरी हमको दी गई है, अब हमको क्या निकालना है, चाल निकालना है, आराम से निकल आएगा। देखिए कैसे निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप सभी को याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये भी याद नहीं है तब तो कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं बनता आपको सीटेट देने जाने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये याद होगा, ठीक है। तो दूरी हो गई हमारी 1140 किलोमीटर और समय हो गया हमारा 21.5 घंटे। जब आप इसको कट करेंगे तो ये कोई राउंड अबाउट में आपका आंसर आएगा 53.02 किलोमीटर प्रति
घंटा। अब इसके इसके नियर अबाउट आंसर देख लीजिए क्या पड़ेगा आपका, 51.5 कम हो जाएगा, 53 ही हमको मिल रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों या आदिवासी लोग हैं जो खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, ओके, आवंटित की जाती है। टिन क्या है भाई, आपसे टिन के बारे में पूछा कि ये क्या है। ठीक है, तो वह भूमि जिसकी बीमाएँ इतनी है, नहीं आप सभी ने पढ़ा होगा कि टिन क्या होता है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्या मतलब अगले ऑप्शन में मैं इसमें क्या डिस्कस कर सकती हूँ, इसलिए आपका 7th का बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, सैंड ड्यून्स कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं, काबुल में या अबू धाबी में या बर्लिन या थिम्पू। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, अबू धाबी यूएई में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, 9 में आपसे क्या पूछा गया कुएं के बारे में, एनसीईआरटी की समरी आपने पढ़ी होगी ना, तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं, ओके, जो अब सूख गए हैं, और हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी रहता था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, हमारे बड़े लोग बताते थे कि भाई जगह जगह पे कुएं पाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं, ये भी आप लोग देखते होंगे, ज़्यादातर अब कुएं देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसका रीज़न इन्होंने पूछा है कि संभावित सही कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा कि तालाब और ये जो जितने भी तालाब वगैरह होते थे उनकी ज़मीन ऐसे घरों में कन्वर्ट कर दी जा रही है, लोग अपने घर बनाते जा रहे हैं, इसलिए एक आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पेड़, कुआं या आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन लगातार कोलतर या सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी बात सही है, आपने देखा होगा ऐसे पेड़ वगैरह बने होते हैं तो ऐसे चारों तरफ को सीमेंट का बना दिया जाता है। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है, ये भी सही है। कुएं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, ये तो कोई मतलब रीज़न नहीं होता ना, इससे कुएं का क्या संबंध हो जाएगा। या फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ए बी और डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4, इसलिए आपका 9th का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, 10 में आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, साइंस और सोशल साइंस विषय के रूप में नहीं रखा गया है। इनका कहना है कि भाई एनवायरनमेंट साइंस में साइंस अलग और सोशल साइंस अलग क्यों नहीं रखा गया है। ऑप्शन ये क्या दे रहे हैं कि CBSE के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, बिल्कुल नहीं, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, समग्र या फिर होलिस्टिक मैनर। देखिए भाई कोई बच्चा है, ठीक है, पर्यावरण आपको पता ही है, फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, थर्ड क्लास से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं एक्चुअली वो ना बेसिकली हर चीज़ को ऐसे होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, जब होलिस्टिक मैनर में देखेंगे तो वो साइंस को साइंस अलग से नहीं देखते हैं, बल्कि EBS में ही साइंस आपकी आ जाती है और सोशल साइंस आ जाती है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। देखिए 1 और 2 में EBS नहीं पढ़ाया जाता, आप सभी को पता है, ठीक है, लेकिन EBS को किसके रूप में पढ़ाया जाता है ये हम देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का
संपादन भाषा के द्वारा होता है, सिर्फ भाषा के द्वारा नहीं होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, भाषा और गणित के माध्यम से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये तो मतलब कोई अच्छी तुक की बात ही नहीं करी। बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए? नहीं। या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंध समझ के विकास के लिए? या फिर उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है? ये कोई आसान और टफ की बात ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह प्रमुख थीम में से एक नहीं है? भोजन, आवास, या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या फिर काम और खेल। आप सभी को ऐसे EVS की 6 समरी पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका फूड, शेल्टर और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंग्स हाउ वी डू, ठीक है। तो इसलिए आपका ये सारे तो आपकी थीम्स में आ जाते हैं ना, तो आपका क्या नहीं आता, काम और खेल नहीं आता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक समझ देखी जा रही है, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, या फिर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, या फिर नहीं पूछा है आपसे, ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये आपका ऐसे नंबर लेके चला जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। और अगला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करता है, या पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए ये डेफिनेशंस पर बल नहीं देता है, जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा आप ऐसे एक्सप्लोर करके चीज़ें सीखेंगे, वातावरण से सीखेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और आपसे नहीं पूछा है इसलिए ये पर्यावरण में नहीं करना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में आपसे पूछा गया है क्या निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखिए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये तो सही बात है, बेसिकली सिर्फ EVS में नहीं, ये तो सर हर एक सब्जेक्ट में ये काम होना चाहिए ना, एक्टिव रहने चाहिए बच्चे। दूसरा आपसे कहता है बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये तो कोई बात नहीं कहता ना कि मतलब बच्चों का जो ज्ञान है उसको शिक्षक के ज्ञान से जोड़ दीजिए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। या फिर पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ये भी बात सही है। देखिए EVS जो है आप अपने एनवायरनमेंट से सीखेंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ क्लास में गए, बुक्स खोली, EVS पढ़ी, चले गए, नहीं, आप जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट से सीख पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। बात करें डी की, तो कहता है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी बात सही है, जो आप सीख के आ रहे हैं बाहर से वो आप स्कूल में भी आके सीखिए ना, तो ए और सी और डी आपका सही हो जाएगा, ए और सी और डी आपको मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, इसलिए 15 का 1 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ओके, किस्से या कहानियाँ, या पाठ्य पुस्तक का पठन, या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्याएँ, या फिर कक्षा निर्देशन। ठीक है, देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं? कहानियों से, जितना आप उनको कहानियाँ सुनाएंगे उतना ही वो मज़े मज़े में सीखते जाएंगे, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, सबसे प्रभावशाली युक्ति हो जाती है, ठीक है। बाकी आपका ये भी ठीक है, कक्षा निर्देशन भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, नैरेटिव्स या फिर किस्से या कहानियाँ, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है कि
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा क्यों? ठीक है, क्यों का जवाब क्या रहेगा देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये तो मतलब पता ही है, इसमें ऐसे बताने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि EVS हमारा टीचर या फिर हमारी बुक्स ही हमको सिखा सकती हैं, हम अपने चारों तरफ के वातावरण से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, जो कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इसलिए आपका बी भी सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले ऑप्शन की, जो कहता है कि शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक भी तो जानेंगे ना कि बच्चे क्या सीख रहे हैं या फिर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो फिर ए बी और सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएंगे, इसलिए आपका 17th का सेकेंड सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, ठीक है, ओके। क्रियाकलाप, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य उसका क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, या फिर बच्चों के खोजने का अवसर देना, सही बात है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही बात है, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, डिस्क्रिमिनेशन या विभेद या फिर अलग फलग की बातें हम लोग नहीं करते हैं। आप सभी को पता है कीवर्ड भी मैंने बताया हुआ था, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। और बच्चे की प्रक्रिया कौशल, उनके कौशलों का विकास करना या उनका आकलन करना, असेसमेंट करना भी बात सही हो जाएगी, इसलिए आपका ए बी और सी सही जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 18th का आपका 4 सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 आपसे क्या कहता है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करता है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ठीक है, रीज़न आपसे पूछा गया है। ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि बेवजह ही आपको पूछा जा रहा है, ये आपके इतने एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, CDP पढ़ाई जा रही है या फिर CTET और TET क्रैक करवाया जा रहा है, इसकी वजह सिर्फ इतनी कि आपकी समझ बढ़ सके। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो ऐसे हरकतें करते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे किसी दिन इरिटेट हो जाएं उनसे, इसीलिए आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि भाई ऐसा क्यों है या फिर क्या करना चाहिए हमको या फिर कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे बेवजह नहीं है कुछ भी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सही बात है, ठीक है, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी आपकी बात सही है, या फिर समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये तो कोई बात नहीं होती, बिना बोझ के, बर्डन के, विदाउट बर्डन, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही कि आप ग्रुप में बैठा दिए और विदाउट बर्डन आपकी एजुकेशन चल रही है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, ये क्या कहते हैं, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए। सेम ऑप्शन आपको दिसंबर वाले पेपर में मैंने सॉल्व करवाया था, अगर आपने देखा होगा तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ये तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं करता है कि भाई कक्षा में अनुशासन बन जाएगा, ग्रुप में बिठा देंगे आप, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ से क्या सही हो जाएगा, ए और बी आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर 1st में, इसलिए आपका 19th का 1st सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, असेसमेंट के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बिल्कुल सही बात है, आपको सभी बच्चे के साथ सेम व्यवहार करना है, समानता देनी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। सहभागिता, ये भी सही है, ये देखिए मतलब ये तो हर जगह आपको मिल जाएगा, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, ठीक है, ये आपको जहाँ मिल जाए वहीं आप ऑप्शन गलत कर दीजिए। और संकेतक नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
तो 20th का आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21st की, जो कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? खुद का आकलन, ठीक है। CCE नहीं, सतत और समग्र मूल्यांकन नहीं है, ये तो कोई बात नहीं होती। सीखने के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग मतलब आप सीख भी रहे हैं और खुद से काम भी कर रहे हैं, ठीक है, खुद से स्वयं का आकलन भी कर रहे हैं, इसलिए आपका असेसमेंट एज लर्निंग या फिर सीखने के समान आकलन सही हो जाएगा। CCE आपको पता ही होगा, निरंतर आकलन जो चलता है, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो 21st का आपका भी सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 आपसे कहता है कि रेटिंग स्केल के बारे में पूछा है, कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, लिखित प्रश्न या अवलोकन या जांच सूची या फिर अभिविन्यास। तो इसमें आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा जांच सूची, ठीक है। तो 22 का आपका सी सही हो जाएगा। बात करेंगे 23 की। 23 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ओके, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, या परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, या बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, या फिर बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, आप पहले, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। बच्चा अगर एक्टिव दिख रहा है तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा खुद करके सीख रहा है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा रचनात्मक तरीके से सीख रहा है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि परिभाषाएं सीख रहा है या फिर याद कर रहा है या फिर बेसिकली कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, ठीक है, जैसे परिभाषाएं आपको मिल जाएगा, तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है, वो खुद से करके सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा नई नई चीज़ों को। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ओके। तो परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। और आपसे क्या पूछा था, नहीं, ये वाला सब तो ऐसे याद ढंग से पढ़ना रहेगा आपको क्वेश्चन इसके लिए। तो 23rd का आपका डी सही हो जाएगा। बात करेंगे 24th की। 24th आपका क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। फिर से असेसमेंट की आपकी बात की गई है, ठीक है, तो क्या है, अवलोकन और अभिलेखन, या फिर अभिव्यक्ति, या फिर विश्लेषण, या फिर प्रयोग करना। देखिए, आप बच्चे को पिक्चर्स दिखा देंगे, अगर मान लीजिए चार कोई पिक्चर आपने ऐसे दिखा दी उनको, कोई भी चित्र दिखा दिए, तो इससे कोई वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर लेंगे ना, वो तो देख ही पाएंगे, लेकिन इससे वो कई चीज़ें सीख सकते हैं। अभिव्यक्ति भी अपनी आपको दे सकते हैं कि भाई ये क्या है, या फिर अपनी बात आपसे कह सकते हैं, ठीक है, विश्लेषण भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अवलोकन बेसिकली देखेंगे तो है ही, तो अवलोकन होगा, ठीक है। तो ए और बी और सी यहाँ से सही होगा, ए और बी और सी आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है, इसलिए 24th का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25, मतलब इसके बाद 5 क्वेश्चन रह गए हैं आपके, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। घर के बारे में आपसे पूछा गया है, घरों के बारे में आपको ढंग से पढ़ लेना है कि भाई असम में कैसे घर बनते हैं, पानी वहाँ पे ज़्यादा बरसता है इसलिए बांस के खंभों पे घर बनाए जाते हैं, या राजस्थान में कैसे बनते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में कैसे बनते हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए हैं, ठीक है, घर 2 मंजिल के हैं, नीचे की मंजिल पर जानवर रखे जाते हैं और ज़रूरत का सामान भी यहीं पर रख देते हैं लोग, ठीक है, और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, ठीक है। सभी घरों की छतें समतल हैं और इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित दिए गए किस प्रदेश का भाग है? भाई ये बताने कि इस टाइप के घर किधर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
पढ़ ही चुके होंगे, रिवीजन आपका चल रहा होगा, मैं तो ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी को इनके आंसर पता होंगे, और नहीं भी पता तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपसे क्या कहता है, देखिए झूम खेती झूम फार्मिंग के बारे में आपसे पूछा है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ईवीएस में, ठीक है। लेकिन देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है, झूम खेती में आप ये किया जाता है कि भाई एक बार फसल काट लेंगे फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही खाली जमीन छोड़ देते हैं। अच्छा क्या है, ओके, बांस या खरपतवार जो भी उगाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जलाते नहीं है ये लोग, ठीक है। तो बी आपका कट हो जाएगा, खरपतवार जंगल आदि को जलाने से प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लेते हैं, ये भी कोई बात नहीं है, झूम फार्मिंग में ये किया ही नहीं जाता है। या फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, बिल्कुल नहीं, बस इतना ये काम आपका इन्होंने सही बताया है, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो 26 का आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27। 27 आपसे कहता है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ओके, अगर दिसंबर वाला पेपर सॉल्व किया होगा तो मिलान वाला एक क्वेश्चन था उसमें ये आया था, टैपियोका वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सभी ने सॉल्व किया होगा, और नहीं भी किया है तो करके ज़रूर जाइएगा। किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, पता ही होगा आपको, केरल, यहाँ पे ऐसे नारियल के तेल में बनी हुई चीज़ें खाई जाती हैं। 28 की बात करेंगे हम, 28 में क्या है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। भाई पता ही होगा, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। उल्लू रात को जागता है तो उल्लू सारी चीज़ों को कैसे देखता है, ब्लैक एंड वाइट कलर में, ओके। तो 28th का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 आपसे कहता है कि केंचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, और इसका सही कारण आपसे पूछा गया है, ठीक है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, सही बात है, मतलब थोड़ा बहुत खा लेते हैं लेकिन इनके जो मल होता है इनसे जमीन उपजाऊ बनती है, ठीक है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, जमीन पीली हो जाती है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो 1, 3, और 4 मतलब ए और सी और डी मतलब सी और डी और ए, क्रम चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन आपके वही है, इसलिए आपको 29th का आपका सी सही हो जाएगा। बचा है आपका आखिरी क्वेश्चन, ओके, आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की बनी चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घर में कांसे का प्रयोग होता है। तो इन्होंने पूछा कि ये किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, मतलब देखिए ईवीएस में कैसा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, अभी आप कहेंगे कि भैया देखो क्या पूछने लग गए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सीटेट क्लियर करना है, अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं। कोई नहीं, देखते हैं, एल्यूमिनियम और तांबे की नहीं है, पीतल और तांबे की नहीं है, तांबा और जिंक और एल्यूमिनियम नहीं, तांबा और टिन, बिल्कुल सही बात है, तांबा प्लस टिन से मिलकर आपका क्या बनता है, कांसा या फिर ब्रॉन्ज, ओके। ये रहा था आपका आज का 30th क्वेश्चन, 30th का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। ये रहे आज के आपके 30 क्वेश्चन जुलाई वाले पेपर के, होप्सो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर सेशन पसंद आता है तो। और हाँ, बेसिकली मैंने 8 दिसंबर वाला पेपर के आपके 3 सेक्शन डिस्कस करवा दिए हैं और जुलाई वाले पेपर के करवा दिए हैं, तो आप सभी इनको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी सफल हों और अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ें। चलिए धन्यवाद।